से सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपने एक काम के लिए मिले, उन्होंने धन्यवाद किया और मिठाई का डिब्बा भी भेंट किया। क्या कुछ उस तस्वीर की सच्चाई है? इस समय मीडिया कोऑर्डिनेटर सीएम जगमोहन आनंद जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक फोटो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वायरल नहीं है, सच्चाई है। इसमें देखिए, त्रिलोचन सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़े हैं, करनाल जिला कांग्रेस के संयोजक रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री बनता है तो फिर वो सबका मुख्यमंत्री होता है। उनका कोई कार्य होगा, मुझे नहीं पता निजी था या सार्वजनिक रूप से था, वो बिल्कुल मैं अंदर ही था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वो अपना मिष्ठान का डिब्बा लेकर के आए। स्वाभाविक रूप से बड़ी सहजता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उनका आदर और मान और सम्मान किया, उनको बिठाया, उनकी बात सुनी। उन्होंने बाकायदा त्रिलोचन सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। और शिष्टाचार के नाते देखिए, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, राजनीतिक द्वेष ना तो त्रिलोचन सिंह जी में रहा ना मुख्यमंत्री जी में रहा। मुख्यमंत्री जी का तो स्वभाव ही ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहजता के साथ वो मिठाई का डिब्बा स्वीकार किया और उसको मिठाई सब हम सब कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि भाई आप बांट लें, त्रिलोचन सिंह जी भी अपना मुँह मीठा करवाने के लिए आए हैं। देख सकते हैं कल से सोशल मीडिया पर करनाल में खूब वायरल हो रही है कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह मिठाई का डिब्बा लेकर मुख्यमंत्री को देते हुए नजर आ रहे हैं और अपने निजी काम से वहां पर गए थे और मुख्यमंत्री जी ने काम कर दिया, जिसको लेकर जो है सरदार त्रिलोचन सिंह, जो कांग्रेस के नेता है, मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, वो मिठाई का डिब्बा लेकर मुख्यमंत्री के सामने गए हैं। इस तरह की तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। बीजेपी के नेता जहां इसको जो है अपने पोस्ट पर डालते हुए नजर आ रहे हैं, वही तमाम लोग जो है इस फोटो पर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। इसमें खुद सरदार त्रिलोचन सिंह हमारे साथ मौजूद है। फोटो में जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरदार त्रिलोचन सिंह अपने किसी निजी काम से आए, मिठाई का डिब्बा लेकर आए, मुख्यमंत्री का उन्होंने धन्यवाद किया। मेरे डेपुटेशन में बड़ा डेपुटेशन था, उसमें दिनेश बंसल थे जो डब्बा ले रहे थे शिवरात्रि के नाम का। मतलब आप नहीं लेके गए किसी काम का धन्यवाद? सिर्फ लगता है कि जो कमरे से ही फोटो वायरल किया गया, क्या गलत किया गया, जानबूझ के किया गया? कमरे से फोटो वायरल नहीं होना चाहिए, एक निजता का कानून जो बना हुआ है वो भी लागू होना चाहिए। सीएम का आदमी को मिलता है, हो सकता है उन्होंने प्राइवेट बात करनी हो, इसका मतलब बाहर चली जाएगी। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपने काम के लिए मिले, उन्होंने धन्यवाद किया और मिठाई का डिब्बा बेंट किया। क्या कुछ उस तस्वीर की सच्चाई है? इस समय मीडिया कोऑर्डिनेटर सीएम जगमोहन आनंद जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक फोटो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वायरल नहीं है, सच्चाई है। इसमें देखिए, त्रिलोचन सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़े हैं, करनाल जिला कांग्रेस के संयोजक रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री बनता है तो फिर वो सबका मुख्यमंत्री होता है। उनका कोई कार्य होगा, मुझे नहीं पता निजी था या सार्वजनिक रूप से था, वो बिल्कुल मैं अंदर ही था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वो अपना मिष्ठान का डिब्बा लेकर के आए। स्वाभाविक रूप से बड़ी सहजता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उनका आदर और मान और सम्मान किया, उनको बिठाया, उनकी बात सुनी। उन्होंने बाकायदा त्रिलोचन सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। और शिष्टाचार के नाते देखिए, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, राजनीतिक द्वेष ना तो त्रिलोचन सिंह जी में रहा ना मुख्यमंत्री जी में रहा। मुख्यमंत्री जी का तो स्वभाव ही ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहजता के साथ वो मिठाई का डिब्बा स्वीकार किया और उसको मिठाई सब हम सब कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि भाई आप बांट लें, त्रिलोचन सिंह जी भी अपना मुंह मीठा करवाने के लिए आए हैं। तो बड़ी सहजता के साथ और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में दोनों का वार्ता। लेकिन कहीं सोशल मीडिया पर उन्होंने भी ये डाला है कि ये तो बीजेपी के नेता अलग ही एंगल से जो है फोटोज डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, और उन्होंने इस पोस्ट का खंडन किया कि वो एक जो है सार्वजनिक काम को लेकर, जो है जनता के काम को लेकर वहां पर गए थे, इस तरह की बात है। मैं उनकी बात ही बड़ी करता हूं, मुझे नहीं पता कि मैंने नहीं देखा कि क्या खंडन कर रहे हैं, कौन कांग्रेस का नेता खंडन कर रहा है। त्रिलोचन सिंह जी वहाँ गए, ये सच्चाई है। फोटो उनकी आप लोगों ने देखी, वो सच्चाई है। मिठाई का डिब्बा वो दे रहे हैं, वो सच्चाई है। और जब ये सारी बातें वास्तविक रूप में सामने हैं तो खंडन कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई, वो सार्वजनिक रूप में बैठे थे, कोई एकांत कमरे में तो बैठे नहीं थे। बाकायदा उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद, आपने जो मेरा कार्य किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करने के लिए आऊँ। मुख्यमंत्री ने कहा आइए त्रिलोचन सिंह जी बैठिए, उन्होंने डिब्बा दिया, उन्होंने डिब्बा स्वीकार किया। हालांकि मुख्यमंत्री जी किसी का मिठाई का डिब्बा लेते नहीं है, लेकिन एक शिष्टाचार के नाते उन्होंने कहा कि भाई मेरे सामने प्रतिद्वंदी रहे हैं तो उनको आदर और मान सम्मान देना है, और बड़े मान से वो लेके आए, तो उन्होंने उस सहजता के साथ उसको स्वीकार किया और बोले कि भाई अपना जगमोहन जी सब में मिठाई बांट दी जाए। तो कारण क्या है कि भाई देखिए, इसको हम कोई एंगल नहीं दे रहे। हमारा एंगल देने का मतलब ये नहीं है कि हमको इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं खाली सिर्फ मीडिया के सामने, आपने प्रश्न पूछा तो मैंने इसको कहा बात कि अगर चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने आते हैं और वो उनका अपना आभार प्रकट करने आता है, तो हम इसका क्या एंगल लेंगे? तो हमने किसे क्या राजनीतिक लाभ लेना?
अब जब मुख्यमंत्री बन जाता है, जब विधायक बन जाता है, वो सबका विधायक होता है, सबका मुख्यमंत्री होता है। त्रिलोचन सिंह जी छोड़ करके कल को हुड्डा जी भी तो मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुझे बताओ आप, क्या पूर्व मुख्यमंत्री नहीं मिलते, क्या पूर्व स्पीकर नहीं मिलते, हर व्यक्ति मिलते हैं। तो ये एक शिष्टाचार के नाते है, मुझे नहीं लगता इस बात को ज़्यादा कोई तूल देने की बात है। हाँ, वो आए, मिले, सहजता के साथ मिले, अपने मुख्यमंत्री को मिले, अपने विधायक को मिले, और इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। तो बिल्कुल, आप देख रहे हैं समय मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद हालांकि इस तस्वीर को लेकर अपनी तरफ से साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिष्टाचार के नाते मुलाकात हुई थी, किसी काम से वे आए थे, चाहे वह निजी काम था या सार्वजनिक काम था या सामाजिक काम था, मुख्यमंत्री के पास वे आते हैं, मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने मिठाई का डिब्बा सभी को वहां पर मिठाई जो थी वो खिलाई। इस तरह की जो तस्वीर वायरल हो रही थी उस पर जो है इस समय हम बातचीत कर रहे थे करनाल से जो भाजपा के नेता है, मीडिया कोऑर्डिनेटर टू सीएम है जगमोहन आनंद। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। मैं तो गया ही नहीं, मैं तो सरेआम गया था, लेकिन कुछ हमारे कांग्रेस वाले ही इसको ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग जो मेरे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जो मेरे खिलाफ रहे हैं। लोग हैं ऐसे, कौन लोग हैं वो आप सब समझते हो, जिनकी जमानत जब्त हो चुकी हैं, जो रूपोश हो चुके हैं, जो पिछले 8 साल से ना मेरे इलेक्शन में आए ना कहीं आए, वो लोगों को सारे लोग जानते। त्रिलोचन सिंह मिठाई का डिब्बा लेकर मुख्यमंत्री को देते हुए नजर आ रहे हैं और अपने निजी काम से वहां पर गए थे। मैं ना तो डब्बा खरीद के लाया, ना मैंने भेंट किया, डब्बा उसने जरूर आगे रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब मैंने आज मैंने क्लियर किया उसे भी डब्बा उसने आगे रखा था, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अगर कोई काम कर देते हैं क्या उनका धन्यवाद करना गुनाह है? जो सोशल मीडिया पर यह वायरल करा गया, पहले तो हम मुख्यमंत्री इंडिपेंडेंट मिलने गए थे, अंदर से फोटो वायरल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें एक बात और गलत लिखी है जो आपने पढ़ी है, भी मुख्यमंत्री ने मिठाई खुद बांटी और त्रिलोचन सिंह मुँह मीठा कराया, ना मैंने वहाँ मिठाई बांटते देखी, ना मेरे मुंह में कोई मीठा गया। अगर एक फोटो कोई वायरल कर दे इस फोटो के अलावा, एक फोटो और दिखा दे भी मुख्यमंत्री ने मेरे को मिठाई का टुकड़ा दिया या मिठाई किसी और ने खाई 50 आदमी अंदर थे, तो मेरे को साबित कर दो। तो मिठाई का डिब्बा गया कहाँ? इसमें तो कह रहे हैं कि मिठाई बीजेपी के नेता लिख रहे हैं कि मिठाई सभी को खिलाई गई, तो मिठाई का डिब्बा कहाँ है? वहाँ काफ़ी कार्यकर्ता भी थे, काफ़ी लोग थे, खा के बाहर में मिठाई अगर दी थी बंसल। मतलब मेन स्पष्ट ये है कि जो तस्वीर वायरल की जा रही है, आपका कहना है कि गलत हेडलाइन के साथ जो है की जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि मिठाई का डिब्बा आपने स्पष्ट कर दिया कि आप नहीं लेकर गए थे। हाँ, मैं ना लेके गया था, दिनेश बंसल लेके गया था, दिनेश बंसल ने उनके आगे रखा, और जो 8 बात क्लियर हुई है मेरी, मैं कहा दिनेश जी आप लेकर गए, हाँ मैं शिवरात्रि के नाम का ले गया था। देखिए, मैं डेरा कार से बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता, एक कदम ये इलेक्शन में जरूर लड़ूंगा, ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि आपने पहले भी जब मेरी इंटरव्यू ली है, मैं सच्चाई से बोलता हूँ। तो मुख्यमंत्री के सामने लड़ेंगे दूसरा इलेक्शन? मैं मुख्यमंत्री लड़े ना लड़े मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा करार से, चाहे कैसे लड़ना पड़े। कांग्रेस की टिकट पे आजाद? देखो, कांग्रेस की टिकट मेरा अधिकार बनता है। जब सारे लोग करनाल छोड़ के भाग गए थे, जब ढूंढ रहे थे लोग को मिल नहीं रहा था, जब सारे लोग कांग्रेस टिकट नहीं ले रहे थे, उस समय हुड्डा जी ने मेरे पे विश्वास जताया, मेरे को टिकट दी, मैंने उनका विश्वास कि कुछ छोटी में खड़ा उतरा, मैंने 50% पोलिंग में थे, 36,000 वोट लेकर उनकी झोली में डाली। उन्होंने कहा पब्लिकली, मैं त्रिलोचन सिंह को अपना विधायक मानता हूँ, इतनी वोट कोई नहीं ले सकता, 12,000 वोट लेकर शमशेर सिंह को कि मेरा छोटा भाई है या 7-6 महीने बड़ा हो सकता है, उसने 32,000 वोट लेकर MLA बनाया, मैंने 36,000 वोट लिया, और 70% पोलिंग हुई है, 50% पोलिंग हुई है। इंद्री का हाल देख लो, नीलो खड़ी का हाल देख लो, और भी है ऐसी ऐसी जगह भाई, यमुनानगर में 5,000 वोट लिए है किसी ने। वो ग्राफ आपको लगता है कि बड़ा है? मुख्यमंत्री के विरोध में आपके वोट पड़े हैं, आपके ऊपर वोट पड़े हैं, तो इसलिए लेकर आप कहना चाहें मैं विधायक जरूर बनूंगा अगली बारी? देखिए, मैं अभी ये नहीं कहा, मैंने यह कहा मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, वो आगे भी लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। पिछले 2.5 साल में मैं गरीब जनता के बीच में गया हूँ, आम लोगों के बीच में गया हूँ, जरूरतमंद लोगों के बीच में गया हूँ, कोरोना के दौरान मैं एक दिन घर में नहीं बैठा, आप उस बात का गवाह है, लोगों ने मेरे को पहचाना, मैंने लोगों को पहचाना, करनाल की गलियाँ, करनाल की सड़कें, करनाल के पत्रकार इस बात के गवाह है कि मैं संघर्षशील हूँ, संघर्ष करता हूँ, करता रहूँगा। तो छोड़ के भागने वाले नेता कौन थे? क्या आपका जो निशाना है वो क्या पूर्व विधायक के ऊपर है? देखिए, आपको सब पता है मिल्ला जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कौन आया कौन नहीं आया, खाली विधायक ही नहीं और बहुत सारे लोग जिन्होंने कांग्रेस के नाम पर बड़े लंबे समय राजनीति की, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, सब छोड़ के चले गए थे। कौन था कांग्रेस में? 20 में से एक MC सिर्फ पप्पू लठर हमारे साथ था, बाकी MC कहाँ थे जो कांग्रेस के दम भरते थे, जिन्होंने कांग्रेस में काम लिया वो भी कोई नहीं थे।
मैं किसी अकेले का नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रूपोश हो गए थे। रूपोश का आखिरी सवाल, क्या उन नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो इस तस्वीर मोड़ तोड़ कर पेश कर रहे हैं? आपका कहना है कि बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस को, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? देखिए, इससे साफ नजर आता है भी जब कभी आपने सीएम को मिलना हो, कोई प्राइवेट बात करनी हो, उनके आगे हाथ जोड़ दिया जाए, सीएम साहब का सामने कह दिया जाए भी कृपया ऐसे व्यक्तियों को अंदर मत बैठने दें जो फोटो वायरल करके किसी का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। एक जो सिस्टम होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए, मर्यादा भंग करने की कोशिश करते हैं। अगर फोटो लेनी थी तो हमारी सहमति से लेते, सीएम साहब की मेरे दोनों की फ़ोटो इकट्ठी हमारे से पूछ के लेते, फ़ोटो वायरल करते, वो माना जाता। ये तो एक चलाकी की राजनीति है जो नहीं होनी चाहिए। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।